भेदभाव ऊंच नीच कहाँ देख पाता है बुढ़ापा? कि भेदभाव ऊंच नीच कहाँ देख पाता है बुढ़ापा? कर्मों की ही रीत को फिर से दोहराता है बुढ़ापा। नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप सभी का मूव मीडिया में स्वागत करती हूँ। असल में बुढ़ापा है क्या? चेहरे पर चंद झुर्रियां जाना, मोटा चश्मा लगाना और कंधों का झुक जाना, बालों का सफेद हो जाना। जरा ठहरिए जना, ये बुढ़ापा तो युवा पीढ़ी में भी है। मोटा चश्मा, झुके कंधे, चेहरा हैरान परेशान, मैं अब भी असमंजस में हूं। मुझे तो हर तरफ बुढ़ापा ही नजर आता है। चलिए इसको कुछ दूसरी तरह से समझते हैं। एक बार एक बाप अपने बेटे को लेकर पार्क में गया। वहां कौए को देखकर पिता ने पूछा, बेटा यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी यह कौआ है। थोड़ी देर बाद बाप ने फिर पूछा, बेटा यह क्या है? दूसरी बार थोड़ा खींचते हुए कहा, यह कौआ है। थोड़ी देर बाद बाप ने फिर से पूछा, बेटा यह क्या है? इस बार बेटा लगभग चिल्लाते हुए कहा, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बोला यह कौआ है? बाप मुस्कुराया और बोला, बेटा बचपन में तूने इसी जगह पर मुझसे 50 बार पूछा था कि यह क्या है, और मैंने 50 बार भी मुस्कुराते हुए तुझे बताया था कि यह कौआ है, और आज जब मैं ये बात तुझसे पूछ रहा हूं तो तुझे गुस्सा आ गया। कितनी विचित्र बात है ना, जो माँ बाप उस वक्त हमारी बात समझ जाते थे जब हमें बोलना नहीं आता था, और आज वही औलाद कहती है, आप लोगों को क्या समझ आएगा? असल में बुढ़ापा कोई ऐब नहीं, ना ये कोई बीमारी है, यह तो शारीरिक बदलाव है जो वक्त के साथ सबको आना है। जो बच्चा है वह बड़ा होगा ही, जो बड़ा है वह बूढ़ा होगा ही, फिर इस पर इतना सवाल क्यों? जरा बताओ मुझे, इस पर इतना सवाल क्यों? जब बाप खड़ा हो और बेटा फैसला ले, गौर फरमाए, जब बाप खड़ा हो और बेटा फैसला ले, जहां बाप चुप हो बेटा बोले, असली बुढ़ापा तब आता है। जब माँ सिर्फ मदर्स डे पर और पिता सिर्फ फादर्स डे पर याद आते हैं, सारा लाड़ प्यार उनके बस बर्थडे और सालगिरह पर लुटाया जाता है, असली बुढ़ापा तब आता है। असल में बूढ़ा वो इंसान है जिसकी सोच में कोई तब्दीली नहीं आई, जिसने दिल में जीने की इच्छाएं मार दी। जीने के लिए दूसरों पर आश्रित रहना वो बुढ़ापा है। हमारे रहते हुए भी हमारी जिंदगी का फैसला हमारे बच्चे करें, वह बुढ़ापा है। जायदाद का बंटवारा तो सब करते हैं, संस्कारों का बंटवारा कैसे हो? जब बुढ़ापे में बच्चों को माँ बाप बोझ लगते हैं और उनको वृद्ध आश्रम भेजते हैं, वैसे ही माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बेटे को अनाथ आश्रम भेज दें। झुक जाती है कमर, कहाँ झुक पाता है इरादा? जो
जाती है कमर, कहां झुक पाता है इरादा। जो हौसला हो शेर सा, तो जीत जाता है बुढ़ापा। बस सोच का फर्क है, बुढ़ापा सिर्फ शारीरिक बदलाव से नहीं इंसान की मानसिकता से होता है। और आजकल के हालात को देखकर मुझे सब बूढ़े नजर आते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.